गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर्स को कैसे प्लस किया जाता है, ये चीज़ सीखना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। इसमें क्वेश्चन नंबर वन है कि फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। दो पार्ट कराए मैंने, ए पार्ट और एफ पार्ट, बाकी पार्ट आपको करने हैं। इसमें ये देखिए, जो ए पार्ट है इसमें तीन नंबर्स हैं, 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08। तो इसको हम एक दूसरे के नीचे लिख देंगे, ठीक है। सिर्फ आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ठीक है। टेंथ प्लेस के नीचे टेंथ प्लेस की डिजिट, हंड्रेड प्लेस के नीचे हंड्रेड प्लेस की डिजिट, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इस तरह से लिख देंगे और उसके बाद फिर सेम ऐसी प्लस करेंगे जैसे हमने प्लस किया था होल नंबर्स को। यहाँ पे नोट में मैंने लिख दिया हुआ है, ये देख रहे हो, आपको साइड में नोट लिखा दिख रहा है। वी कैन ऐड डेसिमल्स इन द सेम वे एज होल नंबर्स। जैसे हम होल नंबर्स को प्लस करते थे ऐसे ही हम डेसिमल्स को भी प्लस करेंगे, बट वी हैव टू राइट डेसिमल ऑफ ईच नंबर एट सेम प्लेस। एक ही प्लेस पे लिखना है डेसिमल, यानी सभी डेसिमल्स को एक दूसरे के नीचे लिखना है। जितने भी नंबर हैं सबके डेसिमल्स को एक दूसरे के नीचे ही लिखना है, और डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होता है उसको टेंथ प्लेस बोलते हैं। तो टेंथ प्लेस पे जो डिजिट होगी उसको टेंथ प्लेस पे लिखना है, जो हंड्रेड प्लेस पे डिजिट होगी उसको हंड्रेड प्लेस पे लिखना है, आगे पीछे नहीं करना है। समझ आ रहा है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 0.0007 है और दूसरा है 8.5, तो पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लिख दिया, ठीक है। और इसमें फाइव जो है, फाइव कहाँ पे है? टेंथ प्लेस पे है। तो कई बच्चे क्या कर देंगे, फाइव को यहाँ लिख देंगे, कई बच्चे फाइव को यहाँ लिख देंगे, तो ये सब गलत है, ऐसे नहीं लिखना है। समझ आ रहे हैं? फाइव को हमें टेंथ प्लेस पे लिखना है। ये हमारा टेंथ प्लेस है, ये हमारा हंड्रेड प्लेस है, ये हमारा थाउजेंड प्लेस है। तो टेंथ प्लेस के नीचे टेंथ प्लेस की डिजिट, फाइव कहाँ पर है? टेंथ प्लेस पे, तो डेसिमल के बाद फाइव लिख दिया। और एट है वंस प्लेस पे, तो एट को हमने वंस प्लेस पे लिख दिया। समझ आ रहा है? यानी डेसिमल्स को एक दूसरे के नीचे लिखना है, और डेसिमल के बाद पहली डिजिट होगी तो वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा, दूसरी डिजिट होगी तो सेकंड प्लेस पे आएगा, तीसरी डिजिट होगी तो थर्ड प्लेस पे होगा। डेसिमल से पहले भी सेम टू सेम ऐसे लिखना है। तो इसे लिखने के बाद उसको सिंपल प्लस करना है जैसे हम प्लस करते हैं, ठीक है। सेवन के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो सेवन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। एट प्लस ज़ीरो एट आएगा, फाइव प्लस ज़ीरो फाइव आएगा, एट प्लस ज़ीरो एट आएगा, और थ्री के ऊपर कोई भी नंबर नहीं है तो थ्री आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 38.587, ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर इसको आगे पीछे अगर आपने लिख दिया तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाएगा, गलत आएगा इसका आंसर, ठीक है। मार्क्स मिलते नहीं उसके, इसमें सिर्फ लिखने का ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, और जिसकी वैल्यू जो है उसको उसी प्लेस पे लिखना है। जो टेंथ प्लेस की डिजिट है उसको टेंथ प्लेस के नीचे, जो हंड्रेड प्लेस की डिजिट है उसको हंड्रेड प्लेस के नीचे, जो थाउजेंड प्लेस की डिजिट है उसको थाउजेंड प्लेस के नीचे। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज़, ठीक है। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है 280.69, 25.2 एंड 38। अब ये 38 जो है इसमें डेसिमल नहीं लिखा है, तो जब भी कभी ऐसा नंबर आए जिसमें डेसिमल नहीं होगा तो उसमें हम डेसिमल लास्ट में मानते हैं, ठीक है। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि कभी भी ऐसा नंबर अगर आता है जिसमें डेसिमल नहीं लिखा है तो डेसिमल को हम हमेशा कहाँ मानेंगे? लास्ट में। जैसे मान लीजिए 2 लिखा है और इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसमें डेसिमल तो लिखा नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2.0, पॉइंट लास्ट में लगा देते हैं। ऐसे यहाँ पर 38 है, इसमें डेसिमल है नहीं, तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? 38.0, ठीक है। इसमें डेसिमल नहीं था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है, बाकी सब सिंपल ही है। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख देंगे, 280.69, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद पहली डिजिट है 2 है तो हमने 6 के नीचे 2 लिख दिया, और 25 को 80 के नीचे लिख दिया, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, और डेसिमल के बाद पहली डिजिट इसमें 0 है, कुछ नहीं होगा तो 0 ही होगा, तो
टू को जीरो को हमने टू के नीचे लिख दिया और 38 को 25 के नीचे लिख दिया है, और फिर नॉर्मल हम प्लस कर देंगे जैसे हम प्लस करते हैं, 9 का 9 आ गया, 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 9 आ जाएगा एज इट इज़। फिर 6 प्लस 2 8 आ गया, 8 प्लस 5 13 आ गया, 13 का 3 कैरी लग गया 1, फिर 8 और 2 10, 10 3 13, 13 प्लस 1 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 343.89। समझ आ गया, इस तरह से हम प्लस के क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन वन के जितने भी बाकी पार्ट्स हैं ये आप स्वयं करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर टू है, इसमें बोला है कि प्राइस ऑफ मैथ्स बुक, मैथ्स बुक की प्राइस 35.75 है और साइंस बुक की प्राइस 32.60 है, तो टोटल प्राइस बतानी है। सेम क्वेश्चन है, टोटल में हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, इसको भी प्लस कर देंगे। प्लस करने का मेथड मैंने जैसे ऊपर बताया ऐसे ही प्लस करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल और बाकी डिजिट्स को एक दूसरे के नीचे लिखना है। टेंथ प्लेस की डिजिट को एक दूसरे के नीचे, 100th प्लेस की डिजिट को एक दूसरे के नीचे एज इट इज़ लिख देंगे, तो 35.75 आ गया प्लस 32.60 आ गया। फिर नॉर्मली ऐड कर देंगे जैसे करते हैं, 5 प्लस 0 5 आ गया, 6 और 7 13 आ गया, कैरी 1 आ गया, 5 और 1 6, 6 और 2 8 आ गया, और 3 और 3 6 आ गया, 68.35 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला है कि क्लोथ नीडेड फॉर शर्ट, शर्ट के लिए कितनी क्लोथ चाहिए, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, एंड क्लोथ नीडेड फॉर ट्राउज़र, ट्राउज़र के लिए कितना चाहिए, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो टोटल क्लोथ बतानी है, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ कितनी आ जाएगी, हम ऊपर मीटर और सेंटीमीटर लिख दो, मीटर के नीचे सारे मीटर वाले नंबर और सेंटीमीटर के नीचे सारे सेंटीमीटर वाले नंबर, और फिर इसको हम प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 5 सेंटीमीटर आ गया, और 3 और 2 5 मीटर आ गया, तो कितना टोटल क्लोथ चाहिए, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस 15 किलोमीटर 268 मीटर, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 7 किलोमीटर 7 मीटर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय फुट, पैदल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 500 मीटर, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। सेम क्वेश्चन है, किलोमीटर लिख दो और मीटर लिख दो, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर वाले नंबर्स और मीटर के नीचे मीटर वाले नंबर्स, तो 268, 7 और 500 इसको ऐड करेंगे तो 775 मीटर आ जाएगा, और 15 और 7 को ऐड करेंगे तो 22 किलोमीटर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम इज 22 किलोमीटर एंड 775 मीटर। समझ आ गया, इस तरह से ही बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 8.5 कर सकते हैं। आज का होमवर्क आपका एक्सरसाइज 8.5 है। आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट्स लिख लेना और उसके बाद एक्सरसाइज 8.5 फेयर कॉपी में आप करेंगे, ठीक है। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट में आप लिखना, मैं उसका सॉल्यूशन सेंड करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।